आइए नाजरीन आपको सुबहानल्लज़ी के इस्तेमाल कर रहे हैं मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा बारकना गौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर सदकल्लाहु मौलाना लज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللهم وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين رجب المرجب دا بابرکت مقدس عظمت والا شان والا مہینہ ہے اس ماہ مقدس دی 26 तारीख नू अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू ला मकानियां बुलंदियां ते बुला के अपने दीदार तो मुशर्रफ फरमाया। मदारिजुन नबूवत दे अंदर शेख मुहक्किक अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और मुआरिजुन नबूवत के अंदर मुल्ला मुईन काशफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप लिख देने के अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू एक मेराज नहीं 34 मेराज करवाए। कितने मेराज? 33 मेराज सरकार दे रूहानी मेराज ने और 34वां मेराज मेरे आका दा जिस्मानी मेराज है। बमाए जिस्म दे रूह माल जसद मेरे आका ला मकादिया बुलंदियां ते गए, ला मकादिया बुलंदियां ते जाके अपनी रब दा दीदार कीता, 50 नमाजा लैके 45 माफ करा के 5 लैके वापस तशरीफ ले आए, 90,000 कलाम भी फरमाया, मुशाहदात भी कीते, लेकिन वापस आई कुंडी हल्दी सी पई, वजू वाला पानी चल रहा सी, जिथों उठ के गए सन बिस्तरा अजे गरम सी। तुसी कहंदे हो अकल नहीं मंगदी, शाजी फरमाते होंगे सन अकल होवे ते मन्ने ना, अल्लाह तुहानू अकल दित्ती नहीं। जेड़ा अकल च ना आए करामत मौजदा ते जिदी जिंदगी दी एक सिफत जेड़ी है एक मौजदा जेड़ा है अकला सोचा फहमा तू बाला तारे सोच के दस फैसला आप कर, जिदा एक मौजदा नहीं समझिया जा सकता उस मुहम्मद की जात को कौन समझ सकता है। हकीकतन गैरो रब्बी अबू बकर मेरी जात एक आईना है शीशा है, मेरी जात को कोई पहचान न सकिया, मेरे सामने जेड़ा भी आया अपना आप लेके आया है, मेरी हकीकत को सवाई रब तो कोई पहचान नहीं सकिया। जिदी हकीकत रो जानन वास्ते सिद्दीक अकबर जैसे आजाज आजन हुजरे विच रहण वाला
सदके ते फितराने ते कल्ला दे पैसे खाण वाला मौलवी वो भी नहीं समझ सकदा जाते मुस्तफा नु समझना है या जाते खुदा जान दी है या नबी पाक कोल बैठण वाले सहाबा जान दे। बस इतना ही अर्ज करांगा ओ ही लोग जान दे सन जिन्हां दी सामणी सरकार सन। तो सरकार दे तमाम मौजजात सिर दे वाला तो लैके पैरां दी नाखना तक सिर दे वाला तो लैके पैरां दे नाखना तक अल्लाह ताला ने अपने हबीब नूं सरापा मौजजा बना के चोरे है। बोलो साडा नबी सरापा मौजजा है। ते एक मौजजा मेराज है अकल विच नहीं आउंदा सारे इकट्ठे कर लो ते अकल विच किवें आ सकदा है। बस यही कह जिंदगियां खत्म हुई कलम टूट गए तेरे औसाब का एक बाप भी पूरा ना हुआ। साते मुस्तफा तक करके पहुंचना चाहना है ते तेनु सिद्दीक वाला प्यार बनाना पड़ेगा उमर वाली मोहब्बत करना पड़ेगी उस्मान ते अली वाला अकीदा रखना पड़ेगा फिर साते मुस्तफा का पता चलेगा। अल्लाह ताला ने अपने महबूब नो मेराज करवाया जरा मिठी की जुबान सुभान अल्लाह। मैं इश्क दे पेंडे जल्दी चढ़ जा वक्त थोड़ा होंगे जदों सरकार नूं मेराज ते कराया बुलाया और ये जड़ी 15वें पारे की पहली आयत है ना अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर उस सफर का जिक्र फरमाया वो जेडे सैर कराई है ना मेराज की रात उसका जिक्र किया है। बड़ा लंबा सफर है लेकिन रब ताला ने सफर नहीं आखिया उसने सैर कह के पुकारी है और लोगो ये ते मेरे सोने दी सैर है रब भी जानता है जिदियां सैरां की हो जिया हो गया करने वाला कितनी अजमत वाला होगा। मेरा नबी गया लामका दे मौलवी आंदे ने नहीं मन अकल नहीं मनदी ज़ेहन नहीं मनदा शऊर नहीं है। नबी किवें चला गया सीढ़ी तो बगैर बंदा छत ते नहीं चढ़ सकदा। मौलाना मुबारक अली साहब सीढ़ी ना ना हो बंदा छत ते नहीं चढ़ सकता मीनार ते नहीं चढ़ सकता। ते इतनी बुलंदी ते नबी किवें चला गया अकल दी कसवटी ते नबी दी जात नूं परखने वालियो ओही टाइम जरा रब दी कुरान नूं दिया करो हौली नहीं कहना खुल के कहना सुभान अल्लाह। अल्लाह दा कुरान ललकारा पाई जा रहा है अल्लाह पाक ने फरमाया सुभान अल्लाह दी असरा बे अबदे लैला अल्लाह पाक ने फरमाया खबरदार कहने वाली और नबी नहीं जा सकता किवें चला गया किवें चला गया ना ना अल्लाह पाक ने लफ्ज़े सुभान दिया मोहरा लगा दी थी ना हालांकि सफर करवाया या सैर करवाई अल्लाह पाक ने अपने बंदे नो डायरेक्ट रब कह सकता सी मैं अपने नबी नो ला मक्का दिया बुलंदिया ते सैर ते बुलाया ना ना सैर दा असल आगाज करने तो पहले शिखर सफर दा करने तो पहले अल्लाह पाक ने फरमाया खबरदार इतराज ना करना सुभान अल्लाह दी इतराज ना करना ए लजान वाला साइंस दान नहीं लजान वाला कीनिया दान नहीं लजान वाला जग्राफिया दान नहीं ओए कोई दुनिया तार नहीं लै गया लजान वाला सारी कायनात दे पालन वाला खुद सुभाले। बोलो कौन है एक इत्तेहाद कर लो कौन है ओही तुसी लफ्ज़ बोलो ना जिहड़ा कुरान ने आखिया कौन है खुद खुद सुभान है। इहदा माना की बनता है पाक है अल्लाह दी ज़मीरां उस मालिक वाल ने ना है अल्लाह दी ओ पाक है ओ अल्लाह। बोलो पाक है जड़ी पाक मंदी हो बोलो जिन्हां दी दिहाड़ी नहीं लगती हो चुप कर लो की कह सकते फिर रब ना नहीं मत्था लाने वाली गल है ना। अल्लाह फरमाता मैं पाक दादा खबरदार मेरा नबी गया तो पहला सुभान 500 साल का रस्ता ओदा मोटापा 500 साल का रस्ता है ओए मौलवी हो तुसी परखदे पए हो किवें जा सकदा नहीं जा सकदा अल्लाह फरमाता सुभान अल्लाह दी मैं लै गया तुसी लजा नहीं सकदे मैं लजा सकना वा तुसी आज जा सकदे हो तुसी इत्थे परेशान हो जाओगे तुसी मोहताज हो जाओगे मैं मोहताज भी नहीं हाँ मैं आजज भी नहीं हाँ मैं
लजा सकना चांटिया वा। मैं आखे चमकण तो पहले यार नूं लजा भी सकना ते वापस लिया भी सकना। खबरदार इतराज ना करे आजे। इत्थे नबी पाक दा दीवाना बोलिया कहण लगा मेराज सीए के राजी मोहब्बतां दा असद अली हाकम ही जानता मैं किस अंतरे ते जा रहा किस मंजिल ते जा रहा। साढ़े मौलाना सैयद इफ्तखारुल हसन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फैसलाबाद दे सन जिन्हां ने काफ़ी किताबां लिखियां ने। उन्हां दा एक मुरीद सी ते इंज तकरीर करदे कहण लगे ओए सुना ओए मुहम्मद बख्शा ओ मैं किथे जा रहा किड्डी बर्बाद करना दा शाह जी रब ही जानदा किथे बर्बाद पे कर दे। सानू पुछो असीं हरबंसपुरे चौक च बैठे हुए हाँ सानू पुछो सी हरबंसपुरे ही हाँ। मैं जरा अपना लैवल ठीक कर लवाना बुलंदी ते ना टुर जावा तुहाडा साबा रब जी खत्म हो जाए मेरा जी सी इक राज़े मोहब्बतां दा मेरे वाल तक आना बाजे कहंदे वेख लो मेरे वाल बाजे कहंदे बिना दरवाजियां तो मैदान सारा जहान ही उहदे विच फरिश्ते हो जी रब्बा फरमा दसो हाँ इहदे विच की है दसो इहदे विच की है। आदम अलैहिस्सलाम तुसीं दसो रब्बा मायके जुल्फकार साहब बैठे ने मौलाना मुबारक अली साहब बैठे ने कलीन बिछे ने लाइटा लगी हैं इंजीनियर साडा रिकॉर्डिंग पिया कर इब्ने आदम है ना सारिया गल्लां साडे बाप ने दसियां ते फरिश्तियां की आख्या सी मैं दसा
फरिश्ते बोले कहन लगे नूरी बोले कहन लगे कालू सुबहान कला इल्मा लना कालू सुबहान कला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मलाइका जिथे नूरी आजाद आ गए उथे साडा अब्बा दलीला पिया दे रहा है। हुण अपने आका की शान सुन लो जवेद साहब अपने आका की शान सुनिया जी जेड़ा फरिश्तिया नू दलीलां दे दे के आजद पिया करदा ए मेरा आज दी राती मेरे मुस्तफा दे पिछे खलोता होया ए। क्यों हुजूर जी जेड़ा मेराज दी राती पिछे खलो जाए वह मुक्त दी है तो वह फरिश्तिया नू दलीलां दे दे के आजस कर दे फरिश्ते आखन ते मजबूर हो जाए ला इलम आलाना पाक है कालु सुबहाना का ला इलम आला पाक है तेरी जात सानू ते नहीं पता जिन्ना तो दसे है उधरों आवाज आई तुहानू नहीं पता सानू पता है तुहानू नहीं पता सानू पता है सरकारी कायनात दे कदमां दे अंदर सारे साडे अब्बा जान दा ते मदीने चो आवाज आई वा अल्लामा कमालम तकुल तालम वकान फदलुल्लाही अलैका अजीम। अल्लाह दा कुरान ललकारा पाई जा रही है ये अल्लाह ताला दा मेरे ते फजल बाण पाया या इलम अल्लाह ने अता फरमाया शाना अल्लाह पाक ने अता फरमाया सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कलमा पढ़ने वालों इत्थे फरिश्ते भी आकड़ पाक है तो लाल असी नमाज शुरू करने आ अल्लाहु अकबर जेरे नाफ हाथ बन के सी आने आ सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व आला चद्दू का अगे की है बोलो नहीं ते मैं आखड़ा जेवा जल्ला सनाओ का तो वो जड़े बंदियां नू पता है ना मैं की आख्या ओ ही मुस्कराए ने आमीन। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका वाबी आखण तू पा के देवबंदी बिस्तरे जान वाले आखण तू पा के शीए आखण तू पा के सुन्नी आखण तू पा के फरिश्ते आखण तू पा के अल्लाह फरमांदा वो मर जाओ मैनू हर वेले कहण वाले हो सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक हर मैनू जनाबे वाला आंदे हो पाक है उदो जिन्हों नमाज विच पाक मानदे हो ओ ही पाक आमना दे लाल नू लै भी गया ते वापस लै भी आया है। नमाज पढ़ी पढ़ी इलम ओए हजार किताब जेड़े थोड़ा जा उर्फा कुल बैठन वाले जरा सर उठाया जेड़ा पढ़ी पढ़ी इलम ओए हजार ना जान भुले
के सुनिया वालों के आकर सानू इतने इश्क की परख दिना अकल की कसवटी से परखन की लड़ कोई नहीं। मेरा नबी गया जिब्राइल लैके गया रब बुला वाला वे बुला वाला जान या जान वाला जान असी नहीं तो गीता कर ले असा अकला से सुरजा दिया पंड बन गए दलाइया की पंड बन के सरकार की बारगज पेश कर दी दिए असी कह दिया ओए मेरा नबी जा भी सकता है वापस आ भी सकता है। बोलो जा भी सकता ते वापस है। आदम अलैहि सलाम जन्नत विच बोलो किथे जदू अल्लाह पाक ने फरमाया या आदम उस्कुन भूल जावा ते दसना भी जे या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजु कल जन्नता वकुला मिन्हा रगदन हैसु शितुमा वला तकरबा हाज़िहि शजरता हाज़िहि शजरता हाज़िहि ए जड़ी शजर है ना एदे नेड़े नहीं जाना। या आदम उस्कुन सकूनत इख्तियार करो रहो इत्थे बेरोक टोक बेखौफ खतर हुण ते दीवारां ते लिखिया बेखौफ खिदमत बेखौफ की आदत आपके वोट का सही हकदार तीर वाले तुहाडे होड़ दे सही हकदार शेर वाले पर अकल ते जरा सोच लेना हुण वेला है सोच लेना वेला है। हर बंदा कहंदा जी तुहाडे वो बेलौस किया बेखौफ बेलौस खिदमत बेखौफ के आदर तो बेखौफ वाकई बड़ा बेखौफ है। अल्लाह पाक ने एक जुमला फरमाया सी कुराने पाक के अंदर अल्लाह फरमांदा या आदम उस्कुन अंत वज़ौ जो कल जन्नत व कुला मिन्हा रगदन हैसु शितुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरता फतकूना मिन अल्लाज़ालिमीन। पहाड़ियां साल रो रो के दुआवां करदा रिया निदामत आसुआ बहा बहा के अखां दे द्वारे हल्के पै गए अपने मालिक नूं आसमान वल चेहरा उठा के नहीं वेखिया रब्बा ना मैं मोहताज मैं इन्ना चीज़ा तू पाक हाँ आखो अल्लाह पाक है सारे बोलो अल्लाह। चलो मौलवी हो तुसी अगर एडी मेहनत कर दियो सुतियां सुतियां ख्वाब विच मिराज हो गया लोकन रांदे ने तकरीरां विच सुतियां सुतियां मिराज हो गया हुण इत्थे विच कई बंदे वेखो मैं भी वेखना कोई मिराज ना करन दिया होवे सुतियां सुतियां मिराज हो गया
मैं क्या सुतियां सुतियां मिराज हो गया, तो ख्वाब दे विच मिराज होया, तो ख्वाब पिछे मिराज की राती नमाजा मिली गई ना, नमाजा मिराज की राती जे सुतियां सुतियां ही मिराज होया, तो फिर ख्वाब पिछे लग के लेफ तलाइया चुकन का मकसद की है, बिस्तरे चुक के घरों बेकार होने का मकसद की है। कोई ख्वाब बिच नहीं होया, असरा बे अबदे ही अबद इदा इतलाक रूह माल जसद ते हुंदा है, बमाए जिस्म दे मेरा नबी गया भी है ते मुलाकात करके वापस आया भी है। मेरे आका करीम अल्लाह मका दिया बुला दिया ते गए अल्लाह फरमांदा है सुभान अल्लाह दी मैं ते आखांगा अल्लाह पाक रे लफ्ज़े सुभान दिया मोहरा लगा दी दिया मस्जिद मिराजुल नबी विच बैठन वाले हो जरा दो चार मिनट एक बारी ललकार के बोलना मदीना मदीना हो जाएगा मजा आ जाएगा। बैठे असी हरबंसपुरे दी जामिया मस्जिद दे अंदर आ नजारे मदीना वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हो जाए आका करीम दी रहमत शामिल हाल हो जाए। ओए जदों मौलाना तकरीर चंगी करन बंदे सुन के आंदे रे सुभान अल्लाह। अज जे चुप कर रहे उन्हों का की प्रोग्राम है, वो मेरे वोटर नहीं है, वो लगता कोई होर महकमा, सारे बोलो साडा भावे पसीना निकला है सर्दियों में तो सब रहना फिर कहो सुभान अल्लाह। राती सौंदा वेखो ना दस बजे आने तो परली गली चो आवाज आती है जीतेगा भी जीतेगा शेर हमारा बल्ला हमारा जीतेगा तीर हमारा जीतेगा कैतली हमारी जीतेगी बतख हमारी तैरेगी बल्ले बल्ले हो तेरे। कभी मस्जिद विच बह के मोहम्मद करीम दी मोहब्बत विच आके तू भी आख्या कर सुभान अल्लाह। इहदे अंदर अल्लाह ताला फायदा ही फायदा देवेगा। मैं हुण सियासी प्रोग्राम नहीं सजाण लगा अगर मैं करा ते मेरे कोल मवाद थोड़ा नहीं अल्लाह दे फजलो करम दे नाल ना छेड़ो हमें हम सताए हुए है ये सदमे जहां के उठाए हुए है ना खंजर उठेगा ना तलवार इनसे ये बाजू हमारे आजम आए हुए है। अठ तारीख तक तुहाडियां फातिहा भी पढ़िया जाणगियां तजीदा भी कीतियां जाणगियां बंदे ते बंदे रह के खोदियां नूं भी सलाम कीता जाएगा रात दे टाइम दरवाजे भी खड़काए जाएंगे। कभी तुसी चितड़े तो बाद भी गरीबां दे दरवाजे ते आओ ना कभी चित्तां तो बाद भी फातिहा पढ़ नमाज ते आओ ना फिर पता लगे ना मेरे दरवाजे ते जिन बंदा कैंडीडेट आया चंद दिन पहले मैं क्या तुसी सैयदा देना हो ते मैं तुहानू एक मिनट दे अंदर जनाबे वाला तुहाडी हालात सारे पिछड़े तुहाडे सामने आईना सामने करके रख दे आ रब्बे काबा दी कसम उठा के कहना वा छोड़ो इन्हां सारियां गल्लां नूं जिहड़ा बंदा उच्चा हो जाए पिछलिया नो याद नहीं करता मेरा नबी एडा भी उच्चा गया है पर गुलामा नो जा के भुलिया नहीं गुलामा नो जा के भुलिया नहीं। अरशद रजवी तकरीर करे कहते बजमा सुभान अल्लाह ओ बार वाले आखो सुभान अल्लाह। जिन्हों का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा वह भी कह दियो शुगर लो हो भी कह दियो। अच्छा तकरीर करे सुभान अल्लाह कारी मुअज्जम तिलावत करे मुड़ भी सुभान अल्लाह। मौलाना असद अली हाकम रजवी साहब नाता तो बाद खिताब करन वत भी सुभान अल्लाह। इंजी गल है ना जी हाजी जुल्फकार साहब का पुत्र जवेद साहब का पुत्र अजान ही पढ़े प्यो न पता लग जाता मेरा लाल अजान पिया पढ़ता है। मैं गुलदस्ता बनाने लगा मौलाना तकरीर करन मजबा सुभान अल्लाह के ना के दे मापे जरूर कह दे सुभान अल्लाह कारिये कुरान जरा तिलावत करे सुनन वाले कह दे सुभान अल्लाह। नक्श नगारी किसे बड़ी चंगी कीती होवे बड़ी आला किस्म दी बिल्डिंग बनाई होवे वेखण वाला बंदा वेखदा सारी कहंदा सुभान अल्लाह। साडा इंजीनियर जिहड़ा उत्थे भी जाके दूसरी मस्जिद ने मेरी रिकॉर्डिंग करके आया मस्जिद वेख के आंदा सुभान अल्लाह। तुसी जनाबे वाला नाज शरीफ सुनो सुन के तुहाडा ज़ौक दुबाला हो जाए बंदे कहंदे रे सुभान अल्लाह। लो जी मैं और नेड़े बात कर रिहा अल्लाह ताला ने मां नूं लाल अता फरमाया लाल नूं बिना मां वेख के कहंदी है सुभान अल्लाह बाप वेख के कहंदा सुभान अल्लाह रिश्तेदार वेख के कहंदे रे सुभान अल्लाह नानके दादके वेख के आंदे सुभान अल्लाह। जदों पुत्तर पैली टोरे टुरन लग जाए चार चार सालों तों बाद या तीन सालों तों बाद डिगदा ठहिंदा मां बाप वल जांदा है
उस वे मां कहती है सुबहान अल्लाह, ताके नानके कहते सुबहान अल्लाह। जो मंगनी हो जाए पुत्र दी, पुत्र पहली वाली लाड़ा बन के मां के सामने आ जाए, तेरे सुल्फे मुस्तफा की कसम ही चुप ना रही। जिस वे पुत्र मां के सामने लाड़ा बन के थुला बन के आ जाए, उस वे मां कहती है सुबहान अल्लाह। बाप वे के आंदा सुबहान अल्लाह, रिश्तेदार वे के आंदे सुबहान अल्लाह, यार सज्जन कहते ओ वेख साडा यार किड्डा सोना प्या लगदा है, ओए यार कहंदे साडे यार नु किड्डा रो प्या चढ़िया है, ओए बाप वेख उस घड़ी नु कहंदा सुबहान अल्लाह। सजना जिस वेले पुत्र लाड़ा बने, उस वेले मापे कहंदे सुबहान अल्लाह, आ गया ओ वेला जिस दे मैं साथ रहनी चाहना वा, उस वेले मापे कहंदे सुबहान अल्लाह, नानके आंदे सुबहान अल्लाह, यार दो संगी साथी कहंदे सुबहान अल्लाह। जदों मेराज दी रात तेरे ते मेरे नबी नो जिब्राइल ने बुराक ते सवार कीता, अचानक जिब्राइल दी चीख निकली, अल्लाह करीम ने फरमाया जिब्राइल आज चीख का दे वास्ते मारी आ, या अल्लाह तेरा नबी फराक ते सवार होया थुल्ला बन के। इत्थे मां आमना हुंदी ते कहंदी सुभान अल्लाह, इत्थे बाप बुड्ढा ते कहंदा सुभान अल्लाह, इत्थे नानके दादके हुंदे ते कहंदे सुभान अल्लाह, इत्थे रिश्तेदार हुंदे ते कहंदे सुभान अल्लाह। कुदरत नु चला ला गया, फरमाया जिब्राइल मां नहीं ते ना होवे, बाप नहीं ते ना होवे, रिश्तेदार नहीं ते ना होवन, कोई नहीं कहंदा सुभान अल्लाह, ते ना आखे मैं वेख के आप आखांगा सुभान अल्लाह। बोलड़े चो आवाज आई सुभान अल्लाह मां आज कहा सुभान अल्लाह मां पढ़ो सुभान बाकी गल्ला अगले जुमे कर लांगे। वा आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।